नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरि किशोर और स्वागत है आपका मेरे चैनल किशोर टेक टॉक पर। दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आपके पास वोडाफोन और आइडिया के पुराने सिम पर हैं, चाहे वो किसी के नाम से हो, बाबा दादा या किसी के नाम से या पापा के नाम से हो, नहीं भी है, चाहे आपके मम्मी के नाम से, आप कहीं पर भी हो दिल्ली में, तो भी आप अपने नाम से उसको पोर्ट करा सकते हो। तो दोस्तों वैसे भी वोडाफोन आइडिया अभी सही से चल नहीं पा रहा है, क्योंकि ना तो अच्छा नेटवर्क आ रहा है, क्योंकि वो कंपनी कर्ज में डूब चुकी है, इसलिए ना वो अपने नेटवर्क को बेहतर बना सकते हैं। तो अभी सबसे सस्ता एयरटेल है, क्योंकि एयरटेल का अच्छा नेटवर्क भी है, एयरटेल 4G एयरटेल का सबसे फास्ट भी है। और दोस्तों एयरटेल में IUC चार्ज 6 पैसे प्रति मिनट नहीं लगता, और वोडाफोन आइडिया में भी नहीं लगता, लेकिन कहीं ना कहीं वोडाफोन और आइडिया कर्ज में डूबा हुआ है। तो दोस्तों आप चाहो तो अपने पुराने सिम जो वोडाफोन आइडिया का है उसको एयरटेल में पोर्ट करा सकते हो। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको वोडाफोन आइडिया का पुराना सिम आपके घर पे पड़ा हुआ है, आप उसको एयरटेल में पोर्ट कराना चाहते हैं। दोस्तों एयरटेल में पोर्ट कराने के लिए आपका सिम 3 महीना पुराना होना चाहिए, यानी 90 दिन पुराना होना चाहिए पुराना सिम। और दोस्तों किसी के भी नाम से हो तो आप जाओगे, अपनी आईडी दोगे और एक कोड आपको जनरेट करना होगा, जो पुराना सिम है वोडाफोन आइडिया का उसमें पैसा भी होना चाहिए, कुछ न कुछ मैसेज करने के लिए 2 रुपए भी होगा तब भी काम चल जाएगा। तो दोस्तों उसमें आपको एक नंबर है 1900 जो नंबर है उस पे आपको पोर्ट PORT बड़ा में कैपिटल लेटर में PORT पोर्ट और स्पेस, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर लिखकर मैसेज करना होगा 1900 पे, तो आपको ये कोड मिल जाएगा। दोस्तों वो कोड मिल जाएगा तो आप किसी भी रिटेलर के पास जा सकते हो जहां मोबाइल का दुकान होता है, और उसको वो कोड दोगे। कोड देने के बाद आपका सिम अगर किसी के भी नाम से है, आपको लगता है कि दूसरे के नाम से है किसी के भी, तो आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना है, आप अपना आईडी लेके जाइए, कोई भी आईडी हो, चाहे पहचान पत्र हो या पैन कार्ड हो, आधार कार्ड लेके जाइए अपना। और उसके बाद आपके आईडी का वेरिफिकेशन होगा, और वो कोड जो आपको मिला होगा, जो आपने मैसेज किया 1900 पे पोर्ट PORT पोर्ट और स्पेस मोबाइल नंबर, जो भी आप मोबाइल नंबर आप पोर्ट कराना चाहते हो, मोबाइल नंबर को लिख कर 1900 पे भेजोगे तो आपको एक कोड मिलेगा, वो रिटेलर को देना है। और किसी के भी नाम से आपका सिम हो, आप अपने नाम से उसको करवा सकते हैं, चाहे आप वोडाफोन आइडिया का सिम है उसको एयरटेल में ले जाओ या जियो में ले जाओ। तो दोस्तों सबसे अच्छा तो अभी एयरटेल का नेटवर्क है, जो अगर आप सिंपल फोन यूज करते हो तो 149 में 28 दिन तक आप जितना चाहे उतना बात कर सकते हो, अनलिमिटेड कॉल है, कोई IUC चार्ज ना, चाहे आप एयरटेल पे बात करो, जियो पे बात करो, चाहे आइडिया पे बात करो। तो दोस्तों अगर आपके पास पुराना वोडाफोन आइडिया का सिम है और उसको आप सही से नहीं चला पा रहे हो, तो आप एयरटेल में पोर्ट कराना चाहते हो, तो आप अब किसी का भी नाम से सिम है तो आप अपने नाम से करा सकते हो। और दोस्तों एयरटेल अभी सबसे बेहतर नेटवर्क है, सबसे सस्ता भी है, क्योंकि जियो अभी बहुत महंगा हो गया है और वोडाफोन आइडिया तो बंद ही होने वाला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही बताने वाला था, तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।